दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। यहाँ पे हम लोग वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और बहुत सारे गेस्ट पेपर का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन लिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन जो है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, मॉडल पेपर से लिया गया है और बहुत सारे गेस्ट पेपर से कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। वही सारे क्वेश्चन को यहाँ पे दिया गया है जो कि इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से देखना है, एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलना है और याद कर लेना है। कैसे भी करके आपको याद कर लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन में से कोई ना कोई बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाला है। तो इसलिए अच्छे से देखिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है विशिष्ट दान है, स्पेसिफिक डोनेशन इज। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगी। देखिए मेरे जवाब देने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देते हुए चलना है और फिर हम आपको जवाब देंगे और लास्ट में आप हमें बताइएगा यहाँ पे आपका कितना क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ है, कितना क्वेश्चन आपको पहले से पता था। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट दान है, स्पेसिफिक डोनेशन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक डोनेशन मतलब कोई एक स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन दिया गया है। एक होता है जनरल डोनेशन जिसको लेके कोई भी एनपीओ कोई भी काम को कर सकता है, मतलब कोई भी काम उसके लिए कोई जो है स्पेसिफिक पर्पस नहीं बतलाया गया। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक डोनेशन में क्या होता है, एक स्पेशल पर्पस बतला दिया जाता है कि इस काम के लिए डोनेशन मिला है। जैसे समाज के कल्याण के लिए डोनेशन मिला है या फिर जैसे मंदिर बनाने के लिए डोनेशन मिला है, क्रिकेट मैच आयोजन करवाने के लिए डोनेशन मिला है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक डोनेशन है मतलब एक पर्पस बता दिया गया है कि इसके कारण डोनेशन मिला है। तो ये क्या हो जाएगा, जब जो है पर्पस पता होगा तो उस समय वो हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्ति, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक पर्पस के लिए बार बार डोनेशन नहीं देता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति हो जाएगा। अगर वही पे जो है स्पेसिफिक डोनेशन नहीं रहता तब जाके यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक पर्पस डिफाइन कर दिया गया है तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। आपको अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में समझाते हुए चलेंगे इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। अगर थोड़ी सी बोरिंग भी होती है तो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि आपको यहां पे सिर्फ यहां पे 20 क्वेश्चन ही नहीं बतलाएंगे, बल्कि आप अगर 20 क्वेश्चन का ये पूरा वीडियोस देखते हो तो यहां से क्या होगा आपका, समझ लीजिए 40-50 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहां पे समझाते हुए चलेंगे और समझाने के क्रम में आपको बहुत सारा ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्या है, बकाया चंदा क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होगा, व्हाट इज यहाँ पे बोला जा रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर अब सेकंड का देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपत्ति यानी एसेट्स हो जाएगा। अब अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ये एसेट्स क्यों होता है, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है ये एसेट्स क्यों होता है, तो ये सवाल भी सही है। अब देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बतलाते हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन डोनेशन ये सब क्या होता है, ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम का सोर्स होता है जिससे वो पूंजी प्राप्त करता है, एक डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से, इस सब चीज़ों से, या फिर टिकट को सेल करके इस सब से जो है वो इनकम लाता है और उसके बाद जो है क्या करता है, वो जो है समाज का कल्याण करता है, लोगों का कल्याण करता है, उसके लिए काम करता है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना कि सब्सक्रिप्शन मिलने वाला था, मान लेते हैं कोई एक डेट पर कोई एक व्यक्ति सब्सक्रिप्शन यानी चंदा देने वाला था लेकिन वो नहीं दे पाया, वो उस डेट पर नहीं दे पाया, तो क्या हो गया, वो एनपीओ के लिए क्या हो गया, बकाया चंदा हो गया कि वो व्यक्ति कभी और देगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो कभी मिलेगा हमारे पर, तो वो संपत्ति हो जाएगा। अगर वही जो है पहले मिल गया रहता, अगर चंदा जो है एडवांस में मिल गया रहता तो क्या होता है, एक लायबिलिटी बन जाता कि वो जो है अगले महीना का चंदा अभी दे चुका है, ठीक है, चंदा अगले महीना में काम आने वाला है, अगला महीना लिया जाता, लेकिन वो जो चंदा अभी एडवांस में दे दिया है, सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे दिया है, वो क्या हो जाता, लायबिलिटी हो जाता। लेकिन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है तो ये जो है संपत्ति हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले अगर आप लोग एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो वहाँ से कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है या प्ले स्टोर से आप एजुकेशन बाबा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लास 12th का क्रैश कोर्स मिल जाएगा, वहाँ पे कोर्स आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ाया जाएगा, साथ में वहाँ पे बहुत सारे फ्री क्यूजेस है, टेस्ट है, वो आप दे सकते हैं और उससे आप पता कर सकते हैं कि कैसे आपका तैयारी है एग्जाम के लिए, कितना तैयारी है, वो सब आप जांच सकते हैं और वो सारा चीज़ फ्री है। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, क्या होता है,
ऑब्जेक्ट क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का? या तो लाभ कमाना होता है टू अर्न प्रॉफिट, या फिर समाज की सेवा करना, या टू सर्व द सोसाइटी, या लाभ हानि खाता तैयार करना टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर उपयोग सभी, ऑल ऑफ दीज। बहुत लोग बोलेंगे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल गलत है। क्यों? देखिए यहाँ पे क्या है, लाभ कमाना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मकसद होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? कि वो प्रॉफिट नहीं कमाए, वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करे, समाज के कल्याण के लिए काम करे। तो यहाँ पे अर्न प्रॉफिट नहीं होगा। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में समाज की सेवा करना, टू सर्व द सोसाइटी, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। और यहाँ पे है लाभ हानि खाता तैयार करना, टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे बोला जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तैयार करने का काम होता है इसका उद्देश्य। लेकिन ये क्या होता है, ये जो बिजनेस, जो पार्टनरशिप वगैरह होता है, जो मतलब प्रॉफिट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, उस वो ये तैयार करता है। ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो है बिजनेस में अगर कोई भी प्रॉफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाता है वो तैयार करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे 4-9 क्वेश्चन है। साझेदार का दायित्व है, साझेदार का दायित्व क्या होगा, लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर, लाइबिलिटी पार्टनर का लाइबिलिटी क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 का राइट आंसर, असीमित, अनलिमिटेड। अब ये आप सोच रहे होंगे कि अनलिमिटेड क्यों होता है, तो इसके पीछे भी वजह है। देखिए साझेदारी क्या होता है, एक जैसे मान लेते हैं तीन साझेदार है, ए बी और सी। थोड़ा सा आपको डिटेल से समझाएंगे, ए बी और सी। अभी आप नीचे पहले एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपको अगर डिटेल में समझना होगा तो फिर हम आगे से भी ऐसे ही वीडियोस लाएंगे जिसमें आपको थोड़े से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। और अगर आप लोग बोलेंगे तो डायरेक्ट हम आंसर टिक करते हुए चले जाएंगे, जिससे आप आसानी से, टाइम भी सेव हो सकता है। तो आप नीचे कमेंट करिए कि आपको किस तरीके का आगे वीडियो चाहिए, क्योंकि इसका और भी सेट आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए असीमित क्यों होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों होता है एक साझेदार का। देखिए अगर मान लेते हैं तीन साझेदार है, तो यहाँ पे तीनों साझेदार एक दूसरे का एजेंट होता है, मतलब एक दूसरे का एजेंट, मतलब ए है तो बी का एजेंट होगा, सी है बी का एजेंट, बी है सी और ए का एजेंट, मतलब सभी जो है एक दूसरे का एजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो है, अगर मान लेते हैं एक डिजॉल्व हुआ, और उस समय जो है मतलब क्या होता है, साझेदारी ये जो फर्म है ये जो है डिजॉल्व हुआ, मतलब ये बंद हुआ, तो उस समय क्या होगा कि जो भी अगर लॉस है, अगर लॉस बहुत ज़्यादा हो गया तो, और जितना संपत्ति है मतलब एक फर्म के पास, वो सभी कुछ बेचा गया, ठीक है, सभी कुछ बेच दिए, जितने भी लैपटॉप्स थे, मशीन थे, और जितने भी सामान थे, इक्विपमेंट जितने थे, सब कुछ बेच दिए, लेकिन उससे भी पैसा नहीं पूरा। अब 10 लाख रुपया कम हो गया, ठीक है, मान लेते हैं एक एजम्पशन है, मान लिए 10 लाख रुपया कम हो गया, मतलब ज़्यादा लॉस हो गया तो 10 लाख भी कम पड़ गया। तो अब 10 लाख यहाँ पे क्या हुआ कि अब तीनों जो पार्टनर है, ए बी और सी, तीनों अपने अपने घर से लाएगा, भले उसके पास 10 लाख रुपया उतना नहीं हो, मतलब तीनों का यहाँ पे डिवाइड कर लिया जाएगा जितना रेशियो रहेगा। और अगर उसके पास रुपया नहीं है, वो अपना संपत्ति, अपना घर, अपना जायदाद सब कुछ बेच के उसको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अनलिमिटेड होता है इसका दायित्व। और वही LLP होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, और उसमें क्या होता है, सीमित होता है, और वही जो है कंपनी में भी सीमित होता है, लेकिन यहाँ पे साझेदारी में क्या होता है, असीमित होता है, याद रहेगा। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए, आगे से शॉर्ट में चलेंगे। देखिए 5-9 क्वेश्चन क्या है, साझेदार के वेतन नाम किया जाता है, पार्टनर्स सैलरी इज डेबिटेड टू। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे 6-9 क्वेश्चन में बोला जा रहा है साझेदारी अनुबंध बनाना है, मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपलसरी होगा, वॉलेंट्री होगा, पार्शली कंपलसरी होगा, या फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्या होगा? तो ये जो है एक वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है, अगर आपका इच्छा है तो आप बनाइए, नहीं इच्छा है साझेदारी अनुबंध आप नहीं बनाइए। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे अगला जो है 7-9 क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, फर्म के लिए जो है आहरण पर ब्याज क्या होगा, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके माइंड में अगर ये सवाल है कि इनकम ही क्यों होगा, लॉस क्यों नहीं होगा, एक्सपेंस क्यों नहीं होगा, यहाँ पे लॉस होना चाहिए, एक्सपेंस नहीं होगा, व्यय मतलब एक्सपेंस होता है, हानि मतलब लॉस होता है, और आय मतलब इनकम, ठीक है, यहाँ पे लॉस होगा, लॉस। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, तो ये जो है इनकम क्यों होगा। देखिए आप NPO की तरफ से सोचिए, मान लीजिए कि आप एक NPO हैं और आपसे कोई एक लोन लिया और उस पर आपको ब्याज देगा, तो मतलब क्या होगा, आपको वो ब्याज तो मिलेगा ही, और साथ में वो लोन कभी ना कभी वो आपको लौटाएगा, तो
तो ये ब्याज क्या हो गया, ब्याज आपके लिए एक फायदेमंद चीज हो गया, मतलब आपका इनकम का एक सोर्स हो गया, आपको इनकम उससे मिल रहा है। तो वही जो है फर्म की तरफ से जो है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आय, हो जाएगा इनकम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें बोला जा रहा है वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन, तो क्या हो जाएगा। कब जो है वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, जब जब फर्म का पुनर्गठन होता है, यानी 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब जो है फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, दोबारा जो है पुनर्गठित होता है, तो उस समय जो है साझेदारों के जो है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें ये काफी इजी सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। त्याग अनुपात क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर सिंपल से यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, इसमें बोला जा रहा है निम्न में से कौन आय नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनकम। यहाँ पे दिया गया है चंदा, दान, टिकट की बिक्री, एंडोमेंट निधि यानी फंड, एंडोमेंट फंड, सेल ऑफ टिकट, डोनेशन और सब्सक्रिप्शन, क्या जो है इनकम का सोर्स नहीं है, मतलब इनकम नहीं है, विच इज नॉट नॉट एन इनकम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, देखिए चंदा, सब्सक्रिप्शन ये एक इनकम हो जाता है, एनपीओ को मिलता है, डोनेशन एनपीओ को मिलता है, एक इनकम हो गया, उसके बाद टिकट की बिक्री, सेल ऑफ टिकट, इससे भी जो है इनकम मिलता है, लेकिन ये एंडोमेंट फंड क्या होता है, एक प्रकार का ये जो है क्या होता है, एक प्रकार का ये जो है इन्वेस्टमेंट होता है, और इस इन्वेस्टमेंट से जो है समय समय पर सामाजिक कार्य के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए विड्रॉल किया जाता है पैसा। मतलब एक बार इसको जो है ये इसका मतलब आपको बदला रहे हैं, एंडोमेंट फंड का मतलब ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है जिसको जमा कर दिया गया, अब उसके बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा करके मतलब अलग अलग पीरियड पर फ्रिक्वेंटली जो है उससे पैसा निकाला जाता है, विड्रॉल किया जाता है और उससे सामाजिक कार्य को किया जाता है, लेकिन ये क्या हो गया, ये इनकम का सोर्स नहीं हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, क्लब नहीं है या फिर पार्टनरशिप फर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे स्कूल, अस्पताल, क्लब, साझेदारी फर्म, कौन जो है अलाभकारी संगठन नहीं है। देखिए स्कूल ज़्यादातर जो होता है एक क्या होता है एनपीओ के तहत चलता है, मतलब उसका मेन जो मकसद होता है समाज का कल्याण, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद हॉस्पिटल, इसमें क्या होता है, इसमें लोगों को सर्व करना मेन मकसद होता है, एनपीओ के तहत ज़्यादातर हॉस्पिटल होते हैं, सरकार के द्वारा चलवाए जाते हैं। और अगला जो है क्लब, क्लब ज़्यादातर ऐसे बनाए जाते हैं जो कि मतलब लोगों का सोशल वेलफेयर करने के लिए, मतलब लोगों का वेलफेयर करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए क्लब बनाया जाता है, जिसमें लोग खेल कूद कर सकते हैं, कुछ कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, उसके बाद कोई भी मैच आयोजन हो सकता है या फिर कोई भी एक फेस्टिवल वहाँ पर मनाया जा सकता है, कोई भी पूजा वहाँ पे करवाया जा सकता है, उसके लिए क्लब बनाया जाता है, ये भी एनपीओ के तहत होता है। लेकिन ये साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म जो होता है, ये क्या होता है, इसका मेन मकसद ही होता है प्रॉफिट कमाना, अगर प्रॉफिट नहीं तो पार्टनरशिप नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। 12वां क्वेश्चन में अब यहाँ पे बोला जा रहा है एक क्लब द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क को माना जाता है, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय ए क्लब इज ट्रेटेड एज। 12 में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एंट्रेंस फी क्या होता है, एक आयगत प्राप्ति होता है, पूंजीगत प्राप्ति होता है, या फिर आयगत व्यय होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा राइट आंसर। पहले देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग पहले एंट्रेंस फी के बारे में जानना होगा। एंट्रेंस फी क्या होता है, अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एडमिशन के टाइम जो है जो अमाउंट मिला है, जो लिया गया है, जो रिसिप्ट हुआ है, उसको कहते हैं एंट्रेंस फी। और देखिए जब क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो ये क्या होगा, रेवेन्यू आइटम में इसको लेंगे एंट्रेंस फी को, मतलब ये जो है जनरली रेवेन्यू आइटम में लिया जाता है एंट्रेंस फी को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसको जब अगर क्वेश्चन में बोला जाए, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझिए, जब क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि इसको जो है कैपिटल एज ए कैपिटल ट्रीट करना है, तब जाके आप जो है कैपिटल इसको ट्रीट करो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए तो आपको सिंपल रेवेन्यू को इसको ट्रीट करना है रेवेन्यू आइटम में।
और देखिए, अगर आपको एक अमाउंट दिया हो, जैसे मान लीजिए 10,000 एक अमाउंट दिया हो, और इसमें से बोला जाए कि 50% को आपको क्या करना है, 50% आप इसको जो है रिवेन्यू समझिए, इनकम समझिए, और उसके बाद 50% आपको कैपिटलाइज करना है, तो ऐसा भी क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जो है रेवेन्यू रिसिप्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50% आपको सिंपल 5,000 जो है आपको क्या करना है, इनकम समझना है, और 50% जो है आपको क्या करना है कैपिटल में, उसको जो है कैपिटल रिसिप्ट आपको समझना है, पूंजीगत प्राप्ति। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, 13 नंबर, इसमें क्या बोला जा रहा है, साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो सकता है, मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, या फिर मौखिक और लिखित दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो है साझेदारी समझौता हो जा सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 13 का। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 14, और इसमें बोला जा रहा है किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड। कैसा शेयर्ड किया जाता है, बराबर बराबर, पूंजी के अनुपात में, या फिर विभिन्न अनुपातों में, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पहले यहाँ पे समझिए साझेदारी अनुबंध क्या होता है। साझेदारी अनुबंध एक ऐसा जो है मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट टाइप का होता है जिसमें जो है क्या होता है, साझेदार जो भी मतलब प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेगा, उसके बाद फर्म का मेन पर्पस क्या है, कहाँ सिचुएटेड है, कब तक चलेगा, पीरियड क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, सब कुछ अच्छे से उसमें लिखा रहता है। लेकिन जब ये नहीं रहे, मतलब आप तो ये तो पढ़े होंगे ना कि साझेदारी अनुबंध क्या होता है, एक ऐच्छिक होता है, वॉलेंट्री होता है, आपको अगर बनाना है तो आप बनाइए, नहीं बनाते हैं फिर भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब जो वो नहीं बनाया, कोई भी पार्टनर जो है, मतलब वो एक साझेदारी फर्म है, उसमें कोई पार्टनर जो है साझेदारी अनुबंध नहीं बनाया, उस समय जो है प्रॉफिट जो हुआ है या फिर लॉस जो हुआ, उसका विभाजन कैसे किया जाएगा, तो उसका विभाजन इक्वल इक्वल किया जाएगा, बराबर बराबर, 14 का ए राइट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, इसमें है चालू खाता है, करेंट अकाउंट इज। करेंट अकाउंट क्या होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत खाता होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 16 नंबर, इसमें बोला जा रहा है क्या चीज, ए बी और सी एक फर्म में के साझेदार है, यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म If D is admitted as a new partner, उस समय क्या होगा, एक फर्म का जो है क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरानी साझेदारी का पुनर्गठन होगा, मतलब वो जो है साझेदारी जो है पुनर्गठित होगा, और जो है उसके बाद ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब जो है पार्टनरशिप जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, मतलब फिर से उसका पुनर्गठन होगा। क्लियर। जब एक नया साझेदार प्रवेश करता है, या फिर मृत्यु होता है, या फिर अवकाश ग्रहण करता है, तो उस समय जो है साझेदारी का पुनर्गठन होता है, आपको ये तो पहले से ही पता होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 17, और इसमें क्या है, पूर्व मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, द बैलेंस ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इज कैपिटल अकाउंट इन। यहाँ पे क्या है, द बैलेंस ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन। यहाँ पे बोला जा रहा है जो पहले से, अगर एक मान लीजिए एक जो है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया गया, और उसमें जो शेष बचा उसको जो है साझेदार के पूंजी खाते में कैसे जो है ट्रांसफर करेंगे, तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कोई एक साझेदार प्रवेश कर रहा है, ठीक है, कोई एक साझेदार आने वाला है, एंट्री करने वाला है, एडमिशन लेने वाला है, तो उससे पहले जो है फर्म का पुनर्गठन होगा और उसे रिवेल्युएट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे पुनर्गठन होगा तो उस समय क्या होगा, जो शेष बचेगा ना वो पुराने साझेदार को ही मिलेगा ना, क्योंकि जो कमाया धमाया जो काम किया है सब कुछ पुराना साझेदार किया, अभी नया साझेदार तो आना है, बस उसके आने से पहले यहाँ पे ये जो है फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है और इसका जो है सारा चीज वैल्यू पता किया गया है। तो यहाँ पे जो भी शेष बचेगा पुराने लाभ विभाजन अनुपात में किया जाएगा, क्योंकि अभी नया लाभ विभाजन अनुपात बनाया भी नहीं गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, इसमें है लाभ प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशियो क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 19, और इसमें क्या है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय
क्लब इज सोन इन। यहाँ पे बोला सर एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन संस्था शुल्क को दिखाया जाता है। देखिए इसको हम थोड़ा सा आपको डिटेल से समझाएंगे क्योंकि इससे दो तीन क्वेश्चन बन सकती है और थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लाइफ मेंबरशिप फीस ये क्या होता है, ये क्या बोला है समझिए पहले इसको। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, होल लाइफ का पेमेंट जो है एक बार ले लिया जाता है, मतलब एक अंदाज लगा के एक एजम्पशन पर जो है ले लिया जाता है पूरा लाइफ का फीस एक बार में, मतलब वन टाइम ले लिया जाता है। और उसके बाद वो व्यक्ति जो है पूरे साल उसका जो है जो भी सर्विस होगा उसको इंजॉय कर सकेगा उसी एक पेमेंट में, लाइफ मेंबरशिप फीस में। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, नॉन रेकरिंग हो गया, मतलब कोई भी व्यक्ति बार बार नहीं देगा। ये क्या हो गया, कैपिटल नेचर का हो गया। तो जब भी कैपिटल नेचर का होगा तो उसको कहाँ हम शो करेंगे, उसको हम लोग आर्थिक चिट्ठा में शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा और समझिए, थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, अब अगर आप बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप अगर बनाते हैं तो आप ऐसे अगर अकाउंट बनाए तो क्या होगा, यहाँ पे जो है एक साइड आप रिसिप्ट लिखे और एक साइड आप पेमेंट लिखे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या लगते हैं, टू कैपिटल, टू कैपिटल, और यहाँ पे जो है जो भी कैपिटल और रिवेन्यू जो भी जो आपको रिसिप्ट होगा वो आप इस साइड लिखते हैं, और जो यहाँ पर पेमेंट जो होता है चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो जो है रिसिप्ट रिवेन्यू नेचर का हो वो आप लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे जो है अच्छे से लिखना है, कैसे, टू रिसिप्ट साइड में आपको लिखना है टू लाइफ मेंबरशिप फीस, आपको ऐसे लिखना है। लेकिन अगर आप वही जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस साइड इनकम हो गया, इस साइड क्या हो गया, इस साइड क्या हो जाता है, इस साइड हो जाता है इनकम, इस साइड इनकम और इस साइड एक्सपेंडिचर हो गया, तब आपको यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि ये जो है इसमें रेवेन्यू आइटम लिया जाता है, लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये हो गया क्या चीज़, ये हो गया कैपिटल आइटम, तो यहाँ पे इसको रेवेन्यू इसमें आ जाएगा क्या चीज़, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन इसका एंट्री जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं किया जाता है, आय व्यय खाते में नहीं लिखा जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पे ये जो है क्या चीज़ है को दिखाया जाता है, किस में, बैलेंस शीट में लेकिन दिखाया जाता है, आर्थिक चिट्ठा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर, और इसमें क्या है, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, होगा चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जब देखिए साझेदारी के अनुबंध में परिवर्तन होगा तो उस समय जो है फर्म का पुनर्गठन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और एजुकेशन बाबा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, और वहाँ से आप फ्री क्यूज देख सकते हैं, उससे आपका अपना नॉलेज का पता चल सकता है और वहाँ से आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।